अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज आ गया हूँ नया व्लॉग बनाने। तो अभी मैं आया हूँ बनी में, जो सारे ये खेत फैले हुए हैं आप देख सकते हैं, और शाम का टाइम भी हो गया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे पीर की मिलिशा की दरगाह है, वहाँ पे भी जा रहा हूँ, वहाँ से वापसी चक्कर लगाऊँगा। और जो पहले मैंने आपको पहले जो गंदम दिखाई थी, उसके बाद जो है तूरिया दिखाया था, उसके बाद जो है इसकी पोखाई हो रही थी अपने वाउणों की, वो भी मैंने आपको दिखाया था कि वाउण कैसे उगते हैं। तो ये अभी वाउण बड़े हो गए हैं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें गोगड़े भी लग गए हैं, जो इसमें जो फ्रूट होता है, मतलब ये इतने बड़े जो है गोगड़े लगे हैं, वो अभी फुट भी रहे हैं। जो इसमें जो है अभी कपास निकल रहा है, ये एक जो है साइड उसमें मतलब जो पहले लगाए थे उसमें जो है पहले फुट भी गए हैं कपा के, वो बूढ़े इतने लगे हुए हैं। बाकी जो बाद में लगाए थे उसमें तो अभी गोगड़े जो है साए हैं। तो जो पहले लगे हुए थे उस पर गोगड़ों पे जो क्या है कि उस पर लग गई थी, बारिश आ गई थी तो उस पर थोड़ा पानी लगा था, तो अभी छोटे छोटे से ऊपर थोड़ा खुल रहे हैं। बाकी जो अभी नहीं खुलेंगे वो तो पूरा ऐसे फूलेंगे, और ये कपा जो है बड़ा बड़ा शो करेगा, जो दिखाई देगा। बाकी जो अभी पुराने जो वाउण हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, और जो पहले पोखे हैं जो जिसपे बारिश गिरी है और कपा कैसे फुटा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, अभी मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये इसमें जो है लगा हुआ है वाउण, ये अभी बरसात की वजह से अभी आस्ते आस्ते फुट रहा है, पर ये ऐसे कपा कटेंगे और बाद में जो ये गोगड़े पड़े हुए हैं ये दिखा देता हूँ। ये जो अच्छे से ये देख रहे हो, ये अच्छे से फूटेंगे और इसका जो है कपा जो बहुत फूलेगा। और उसके बाद अभी मैं दूसरे भी वाउण आपको दिखा देता हूँ, जो कि अभी बिल्कुल मतलब इसमें बिल्कुल भी एक दाना भी नहीं फूटा है, और ये पिछले बाद में लगे हुए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बाद वाले हैं, ये देखें इस वाउण में पूरा ये वाउण पहले लगा हुआ है, पर इसमें कोई भी एक भी गोगड़ा फूटा नहीं है, ये देखें। और पास में ये देखो बाराड़ी में बिल्कुल ये जो घास वगैरह फ्री होती है, जो लोग आते हैं इससे ये घास कटते हैं। ये देखो छबर लगी हुई है, इसको हम छबर बोलते हैं। ये यहाँ से उस रंभी से वढ़ के फिर उसका भरी बदल के फिर जाते हैं। ये जो है ना बाद वाले वाउण हैं, और जो पहले वाले मैंने दिखाए थे उसमें देखो फुट भी गए हैं, और ऊपर वो जो है बरसात लगी है तो उस वजह से उसमें बहुत सारे दाने ख़राब भी हुए हैं। और ये साइड वाले जो अभी लगे हुए हैं ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये अभी बाद वाले लगाए हुए हैं। और यहाँ से आगे देखो ये सारी जो आगे पटड़ी जाती है, ये बाद में ये यहाँ से पीछे मेरी साइड ये भी पीछे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी वाउण लगे हुए हैं। ये देखते हैं, ये देखें, ये सारे वहाँ तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक वाउण लगे हुए हैं। ये पाछाटे हैं, तो उस वजह से अभी इसमें इतनी पुट्टी वगैरह नहीं लगी है, ये भी पाछाटे हैं। बाकी जो पहले हम देख के आए थे जिसमें वो कपा वगैरह लगी हुई थी, वो अगाटे हैं, उसमें जो है ना कपा वगैरह लगी हुई है, वो अगाटे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बास में जो है ना ये है झाड़ खबर इसको बोलते हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये पासे में ये जो खड्डा है इसमें बहुत पानी बीटा है, तो ये गंदा भी हो गया है, अभी काला हो गया है। और ये इससे यहाँ पास में जो है ना मोरी मटती है, ये देखें ये मोरी है, इसके नीचे ये वाटर है, इसका पानी जो है ना ये बहता है, इसलिए साफ़ है बहुत। इसमें भी ये देखो कितना घास और कितनी हरियाली लगी हुई है, सावा मुल्क लगा हुआ है। और ये भी यहाँ से वाटर यहाँ पे जाता है, जो मैंने शायद पहले वीडियो में भी कुछ अपलोड वीडियो की थी उसमें मैंने फट्टा और जहाँ से पानी यहाँ से आता है वो भी मैंने आपको दिखाया था। और ये जो हैं अगाटे वाउण हैं, ये तो नज़दीक वाले बहुत छोटे हैं इस वजह से। बाकी इसमें देखो आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, इसमें छोटी छोटी जो ये अच्छी दिखा रही हैं ये वाउण हैं, और वाउण नहीं है ये कपा है। ये सारा देखें, ये जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ये सारे वाउण हैं,
फिर आगे वाले बहुत बड़े भी हैं, और यहाँ से ये भी जो गए हैं ये भी सारे एक ज़मींदार के बावण हैं, ये फुट रहे हैं आस्ते आस्ते। अभी इसमें बहुत अच्छा बावण निकलेगा जो है, तैयार होंगे। ये देखो कितनी सावक लगी हुई है। तो ये सारे जो हैं अभी फुट के फिर ख़त्म होंगी, फिर इसमें जो है ना जो अच्छी अच्छी सी लकड़ियाँ निकलेंगी वो हम वड के, जो मैंने वीडियो पहले बनाया था, जो पहले यहाँ पे वाउंड बोखे हुए थे वो वडे थे हाड़ियों ने, फिर वो जो है ना मैंने वड के फिर वो उस पर गद्दे पे डाल के लेके गए थे घर, और वो अभी तक हमारे पास वो लकड़ियाँ चल रही हैं, हम उसको बाल रहे हैं। और अभी ये जब मतलब कपा और ये सारे निकाल लेंगे तो फिर इसके पहले बावण जो है ना यहाँ पे गायें ढगियाँ वगैरह या वो बैल वगैरह जो हैं बकरियाँ वो छोड़ेंगे, उसके बाद वो चर के जो पछाड़ी में जो है लकड़ियाँ बचेंगी वो हम वट के फिर जमा करेंगे। पूरी साल चलती हैं पहले लकड़ियाँ यहाँ सारा, ये जो आपको जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है यहाँ सारे यहाँ पे देवियाँ हुआ करती थी। अभी सारे ये है ना आबाद हो गया, पानी माशाल्लाह बहुत है ज़्यादा, इस वजह से अभी पानी हो गया है। अभी यहाँ से मतलब सारी जो है ना देवियाँ वट दी हैं और सारे यहाँ पे क्या कहते हैं वाउंड पोंक दिए हैं। अभी ये जो ये लकड़ियाँ हमारे सिर्फ ये वाउंड की जो लकड़ियाँ हैं यही काम आती हैं। ये सारा ये जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ये सारा यहाँ पे देवियाँ होती गई थी, और ये बब्बड़ भी हो गए हैं। अभी जो है पानी ज़्यादा है तो बब्बड़ भी होते जा रहे हैं, और बीच बीच में ये जो ऊपर जो आप देखा देता हूँ आपको, ये देखो ऊपर ये जो लकड़ी घूम रही है ये लुढ़ रही है, जो इसको मांजली कहते हैं। ये अलग से एक बीज फेंकते हैं फिर ये मांजली का लकड़ा है, लकड़ियाँ जो हैं बकरियों के खाने में भी काम आती हैं, और इसकी लकड़ियाँ जो हैं हम छितों वगैरह पे देते हैं तो वो भी अच्छी बनती है। ये तो ये सारे एक ही ज़मींदार के हैं, ये भी एक ज़मींदार, बाकी ये जो दिखाई दे रही है दूसरा ज़मींदार है उसकी है, और ये सीधी पटड़ी जो जा रही है ये हमारे गांव की तरफ है। गांव से मैं बाहर आ गया हूँ आपके लिए व्लॉग बनाने के लिए, और तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, नॉलेज मिली होगी। उम्मीद है कि मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारा पेज जो और हमारा यूट्यूब चैनल जो है मोहम्मद रमज़ान व्लॉग्स है, इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप और अपना बेल आइकन भी ओपन करें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शुक्रिया, अल्लाह करम।